पकड़े गए प्रधानमंत्री की रैली वाले चोर। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये चोर आम नहीं हैं, बल्कि खास हैं। खास इस वजह से क्योंकि ये चोर ऐसे बड़े आयोजनों को अपना निशाना बनाते थे जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहता हो, और पुलिस के पहरे के बीच चोरी ही इनका शौक था। चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, या फिर पुरी की जगन्नाथ यात्रा, या फिर हो कुंभ का मेला, बस इन्हें तो ऐसे कार्यक्रम की तलाश रहती थी जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तो मौजूद हो ही, लोगों की तादाद भी हजारों में हो। यही वजह थी कि ये लोग ऐसे आयोजनों को अपना निशाना बनाते थे जहां पर लोगों की खासी भीड़ इकट्ठा हो और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की जेब में सेंधमारी कर सके। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की, अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, इनसे 46 स्मार्टफोन मिले, और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े कार्यक्रमों को टारगेट करते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी इन्होंने टारगेट किया है, वहाँ भी चोरियाँ की हैं। इसके अलावा ऑटो एक्सपो में, T20 में और तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पर ही चोरियाँ करते थे। दरअसल पुलिस को इनके बारे में सूचना थी, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। आरोपियों का नाम असलम और गोलू है। 46 स्मार्टफोन मिले हैं, कुछ हथियार भी मिले हैं इनके पास से। पिछले काफ़ी समय से चोरियां कर रहे थे और पुलिस का कहना है कि 100 से ज़्यादा चोरियां इस समय कर चुके होंगे गोलू और असलम मिलकर। फिलहाल गैंग के और सदस्य जिनको पकड़ना बाकी है, लेकिन बड़ी कार्रवाई नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की, पिछले काफ़ी समय से इनकी तलाश की जा रही थी, और सबसे बड़ी बात है बड़े बड़े कार्यक्रमों को टारगेट करते थे।